हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट के पेपर वन की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 7 है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो टॉपिक था, जो हम लोगों ने लास्ट 5 लेक्चर से शुरू किया हुआ था, इस टॉपिक को मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट 4 टाइप्स ही बाकी हैं। जो मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च थी वो मैंने कवर की हैं, बस 4 टाइप्स बाकी हैं, वो आज के लेक्चर में हम कवर कर देंगे। एंड उसके बाद आप मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च आपका कवर हो चुका है, जो आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट, मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55% के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू, जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं, या जैसे उस दिन गुजरात सेट का नोटिफिकेशन आया था तो मैंने वो सिर्फ टेलीग्राम पर ही शेयर किया, राइट? तो ऐसी जो भी नोटिफिकेशन अपडेट्स आती हैं, उन सबका बेनिफिट भी आप लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। लास्ट एंड फाइनल चीज़, जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ते रहते हैं वो पूछते रहते हैं कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की ये सारी यूनिट्स अवेलेबल भी हैं एंड कवर्ड भी हैं। इन सभी की ही प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए वहाँ से जाके इनको कवर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आज का टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो पहला टाइप ऑफ रिसर्च डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली डायग्नोस्टिक रिसर्च। अब डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है? डायग्नोस्टिक रिसर्च इज नथिंग बट जब आप देखते हो कि कोई चीज़ कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, कितने नंबर ऑफ टाइम्स अकर कर रही है, या कोई चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जांपल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी एक हिसाब से आपको एज अ पेशेंट डायग्नोस्टिक रिसर्च ही करता है आप पर, राइट? क्यों? क्योंकि वो पूछता है, चलो आपको बुखार है कितने दिन से, यानी वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, या बुखार के साथ आपको और कुछ भी है तो पूछता है ना कि आपको सर में दर्द है क्या, या आपको सर्दी जुकाम है क्या, कुछ भी, राइट? तो वो क्या कर रहा है, एक तो वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, दूसरी चीज़ वो पूछता है कि बुखार के अलावा आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, राइट? तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च का बेसिक पर्पस यही रहता है, या तो आप फ्रीक्वेंसी पता कर लो, या तो वो जो चीज़ आप पता करना चाहते हो, जो वेरिएबल आप देख रहे हो, वो वेरिएबल दूसरे कौन से वेरिएबल से रिलेटेड है, वो जब आप फाइंड आउट कर लेते हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक रिसर्च का बेसिक पर्पस क्या रहता है? इसका बेसिक पर्पस यही रहता है कि हम सिर्फ बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। अभी तक मुझे प्रॉब्लम क्लियरली पता नहीं है, लेकिन डायग्नोस्टिक रिसर्च करने के बाद मुझे बेसिक लेवल पे क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आई होप सबको ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है, वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च, जो है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च अपने नाम से काफ़ी हद तक क्लियर है। जब आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। आपकी रिसर्च प्योरली एंड सोलली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपने एज अ रिसर्चर जो ऑब्जर्व किया, या आपने एज अ रिसर्चर जो एक्सपीरियंस किया, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं, राइट? और जब भी मैं एम्पेरिकल रिसर्च की बात करती हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए, राइट? बिकॉज आप कोई चीज़ अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो, तो आप जब कोई चीज़ एक्सपीरियंस से बोलते हो, अपने ऑब्जर्वेशन से बोलते हो, तो आपको उसके पीछे उसका बैकिंग देना पड़ेगा, उसका एक एविडेंस, उसका कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, सो दैट हम जस्टिफाई कर सके एज अ रिसर्चर कि हम अगर ये बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न ये है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसे बता रही हूं तो ये एक्सपीरियंस ऐसा क्यों है, उसका सॉलिड बैकिंग, उसका सॉलिड प्रूफ मेरे पास होना चाहिए, तभी ही मैं अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर पाऊंगी, राइट? तो बेसिकली
एम्पेरिकल रिसर्च क्या है? एम्पेरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें आप क्या करते हो एज अ रिसर्चर, अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पे, अपने फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन पे रिलाय करते हो. ठीक है, आई होप सबको सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च जो है वो अच्छे से क्लियर है. कमिंग टू द थर्ड एंड द फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च, और फोर्थ टाइप ऑफ रिसर्च है क्वालिटेटिव रिसर्च. नॉर्मली मैं क्या कर रही थी, अभी तक जितने भी 5 पार्ट्स हुए हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के, उसमें मैंने एक 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 टाइप अलग अलग से कराया था, राइट. बट ये जो लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये मैं साथ में करा रही हूँ. उसका रीज़न क्या है कि कई बार बच्चे क्वांटिटेटिव अलग से समझ लेते हैं, क्वालिटेटिव अलग से समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन हमेशा रह जाता है बच्चों को, राइट. तो वो कन्फ्यूजन ना रहे आपके माइंड में, इसलिए मैंने क्या किया है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अलग अलग ना पढ़ा के उनको डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर क्लैरिटी मिल सके और उसका डिफरेंस जो है वो भी अच्छे से पता चल सके. ठीक है, एक एक करके सारी पॉइंट्स को देखते हैं, दोनों को डिस्टिंग्विश करके भी देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले पहले अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करूं तो यहां पे मेजरमेंट किस में होती है, यहां पे मेजरमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में, यानी नंबर्स में. यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च का बेसिक मीनिंग ही क्या आता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च वो टाइप की रिसर्च होती है जब आप क्या करते हो, आप नंबर्स में कोई चीज को मेजर करके दिखा देते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करूं तो उसके केस में क्या होता है, आपको इनडेप्थ स्टडी करनी पड़ती है. आप नैरेटिव फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, या आप किसी भी यू नो एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली नॉन न्यूमेरिकल रिसर्च होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको नैरेशन देनी पड़ती है, स्टोरी बतानी पड़ती है, रीजंस लॉजिक्स बताने पड़ते हैं. वहाँ पे कोई नंबर नहीं है, आप जो चीज़ प्रूव करना चाहते हो उसके पीछे कोई नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो चीज़ अपने रीजंस के थ्रू, अपने लॉजिक्स के थ्रू प्रूव कर पाते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं. ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का बेसिक पर्पस क्या होता है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. ऑब्वियसली जब हम नंबर्स में किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो हम नंबर्स में मेजर ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हैं. और दूसरी तरफ हम क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों करते हैं, उसका पर्पस होता है डिस्कवर आइडियाज इन जनरल. हम लोगों को नई नई आइडियाज़, नई नई थियोरीज, नई नई चीज़ें जब क्रिएट करनी होती हैं, नए नए सिस्टम, नई नई थियोरीज़ को क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में क्या पॉसिबल है, मेजरमेंट पॉसिबल है. एक तरफ हम मेजर कर रहे थे, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी क्वालिटेटिव रिसर्च के केस में क्या होता है, एक तरफ ऑब्जर्वेशन होती है, दूसरी तरफ इंटरप्रिटेशन की जाती है. पहले तो जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हो तो आप क्या करते हो, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, समझते हो, सीखते हो, राइट. एंड उसके बाद आप क्या करते हो, उसको इंटरप्रेट करने लग जाते हो, उसका मीनिंग निकाल के लोगों को प्रेजेंट करने लग जाते हो, राइट. तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में सैम्पलिंग कैसे होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में क्या होता है, लार्ज सैम्पल साइज होता है. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी क्वालिटेटिव रिसर्च के केस में स्मॉल सैम्पल साइज होता है. अब ऐसा क्यों है, उसका सिंपल सा रीज़न है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, लार्ज नंबर में सैम्पलिंग करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को हम नंबर के थ्रू प्रूव करें, और जब भी हम नंबर के थ्रू प्रूव करते हैं तो हम मेजॉरिटी या ऐसे कुछ प्रूव करते हैं, राइट. तो उस वजह से यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में क्या होता है, हमें क्योंकि जनरलाइजेशन करनी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लार्ज सैंपल को यूज़ करते हैं, और हम बेसिकली रैंडम सैंपलिंग को, यानी प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग मेथड को यूज़ करते हैं. रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिस्टिक मेथड सैंपलिंग क्या है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सैंपलिंग में, तो वहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी. बट टाइम बींग के लिए आप समझ सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में लार्ज सैंपल यूज़ होता है, रैंडम सैंपलिंग मेथड यूज़ होता है, जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस रहता है सैंपल में सेलेक्ट होने का. ठीक है,
तो ये होता है आपका रैंडम सैम्पलिंग, राइट। तो आपको हमेशा याद रखना है, लार्ज सैंपल होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में, जनरलाइजेशन पॉसिबल है क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में, एंड थर्ड पॉइंट, आप रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते हो क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप क्वालिटेटिव रिसर्च जब करते हो तो आप क्या करते हो, स्मॉल सैम्पल साइज लेते हो। क्यों? क्योंकि आप कई बार क्वालिटेटिवली किसी चीज़ को प्रूव करना चाहते हो, कोई थियरी क्रिएट करना चाहते हो, कोई सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो, और क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप कुछ नया ढूंढते हो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो वो काफ़ी हद तक नेचुरल सेटिंग्स में होती है। आप पहली बार कुछ कर रहे हो तो ज़्यादा सैम्पल आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे स्मॉल सैम्पल साइज़ यूज़ होता है। नेचुरल सेटिंग्स में ये रिसर्च को किया जाता है। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के केस में आप क्या करते हो, नॉन रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हो। नॉन रैंडम भी बोल सकते हो आप इसको, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोल सकते हो। अब नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है ये भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट टाइम बीइंग के लिए अगर मैं बताऊँ नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड सैम्पलिंग क्या होता है, तो वो बेसिकली यही है कि जब आप अपने सैम्पल को इक्वल चांस नहीं देते हो सिलेक्ट होने का, ठीक है, तो उसे ही हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के केस में आपको याद रखना है स्मॉल सैम्पल साइज है, नेचुरल सेटिंग्स है, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग यूज होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। क्यों? क्योंकि आप नंबर के फॉर्म में बता रहे हो, तो आपका डेटा एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी तरफ क्वालिटेटिव रिसर्च के केस में क्या होता है, आपका डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपका डेटा जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में है। आप कोई चीज़ का रीज़न बता रहे हो, लॉजिक बता रहे हो, क्योंकि आप रीज़न बता रहे हो, लॉजिक बता रहे हो, तो वो डेटा क्योंकि न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होने के वजह से वो काफ़ी हद तक बिखरा हुआ रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के केस में आपकी रिसर्च कैसी रहती है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। आप एकदम बोलते हैं ना, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी यू नो पर्सनल प्रेफरेंसेस, जजमेंट्स, आप जो जैसा है उसको वैसे का वैसा स्टेट कर देते हो, ऑब्जेक्टिव रहते हो आप अपने अप्रोच में। लेकिन दूसरी तरफ क्वालिटेटिव रिसर्च के केस में आप कैसे रहते हो, आप एज अ रिसर्चर सब्जेक्टिव इन नेचर होते हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने बायस से उस रिसर्च को अंडरटेक करती हूँ, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव इन नेचर होती है। डिडक्टिव क्या होता है, ये मैंने आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव का एक लेक्चर दिया था लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, सेकेंड लेक्चर होगा इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग, तब मैंने वहाँ पे डिटेल में समझाया था डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, राइट। तो अगर आपको डिटेल में समझना हो, वहाँ से जाके देख सकते हैं, तो ये लेक्चर और भी बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। बट शॉर्ट के लिए अगर मैं बता दूँ डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च इज नथिंग बट जब आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ क्या करके लेके जा रहे हो, जनरलाइज से पर्टिकुलर करके जा रहे हो, यानी आप क्या करते जा रहे हो, आप जो चीज़ है आप उसको सिर्फ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। और दूसरी तरफ क्वालिटेटिव रिसर्च कैसी रहती है, क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव रिसर्च रहती है, जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हो, यानी यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप कोई नई थियोरी को क्रिएट करने की कोशिश करते हो। मैं अगेन बोल रही हूँ डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, ये मैंने डिटेल में इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव रीजनिंग के सेकेंड लेक्चर जो लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट है उसका सेकेंड लेक्चर में है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और भी बेटर तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। आई होप सबको ये सारी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है, एंड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का डिफरेंस भी क्लियर है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।